नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका द स्टडी हब में दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ एम सी क्यूज ऑन फंडामेंटल राइट्स एक वीडियो जो है वो पहले फर्स्ट uh, पार्ट था वो वीडियो आ चुकी है ये सेकेंड पार्ट है एम सी क्यूज का ऑन फंडामेंटल राइट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना एम सी क्यूज का सेशन तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल पर्सन गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंसान सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स के वॉलेट होने पे तो आर्टिकल 32 जो है वो अलो करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल टू अलो करता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स के वॉलेट होने पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 थाउजेंड नाइन इज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो 2002 में एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है टू थाउजेंड टू में होती है एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसमें ट्वेंटी वन ए आर्टिकल जो है वो ऐड किया जाता है और उसमें बताया जाता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी किसको इसको छः से लेकर चौदह साल के बच्चों को और ये स्टेट तय करेगी जैसे उसको ठीक लगे तो राइट ऑप्शन इज आर्टिकल ट्वेंटी वन ए ठीक है राइट टू एजुकेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइन जो है वो कौन सा आर्टिकल हमें डिफाइन करता है वो आर्टिकल ट्वेंटी वन ए जो है वो डिफाइन करता है आर्टिकल आर्टिकल इज़ द राइट ऑप्शन। मतलब 32 के अंदर आप जाते हो ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारा जो भाई राइट right है वॉयलेट हुआ है उसको इन्फोर्स करो तो कौन जो है इसको सस्पेंड कर सकता है प्राइम मिनिस्टर सस्पेंड कर सकता है नहीं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कभी तो कभी नहीं ठीक है वो यहाँ पे राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सस्पेंड right कर सकता है राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो आपके फंडामेंटल राइट होते हैं वो क्या होते हैं सस्पेंडेड होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविशाज बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे पहले राइट अगेंस्ट एक्सप्लेशन जो है वो आर्टिकल ट्वेंटी से लेके आर्टिकल तक आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन एक्सप्लाटेशन क्या किसके बारे में बात की थी पहली वीडियो में ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर और दूसरी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंड ठीक है ये माइनॉरिटीज की बात नहीं है अनटचेबिलिटी की बात नहीं है तो so, राइट right, कौन कौन सी स्टेटमेंट है पहली स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो राइट right है तो वन और फोर तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फंडामेंटल राइट्स तो कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट हैं पार्ट थ्री में क्या है फंडामेंटल राइट फोर में कौन से है फोर ए में फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर विच आर्टिकल फंडामेंटल राइट जो है वो किन किन आर्टिकल के बीच में है मतलब किस आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं और किस आर्टिकल पे खत्म होते हैं आर्टिकल ट्वेल्व से लेके आर्टिकल थर्टी फाइव तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन मतलब तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से बारो किए हैं तो ये हमने यूएसए से बारो किए हैं यूएसए में फंडामेंटल ऑफ राइट्स को क्या फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है और हमने जो है वो यूएसए से बारो किए हैं अपने फंडामेंटल राइट ठीक है ये यूएसए में बोला जाता है और ये इंडिया में बोला जाता है इंडिया में बहुत ही अलेबोरेट तरीके से फंडामेंटल राइट जो हैं वो बताए गए हैं इवन यूएसए से भी एलेबोरेट तरीके से यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इतने एलेबोरेट तरीके से नहीं बताए गए हैं जितना कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एलैबोरेट किया है इनको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल द मैग्काट ऑफ इंडिया के बारे में भी मैंने आपको बताया वो काफी डिटेल में so Magna Carta of India कौन से पार्ट थर्ड को मैग्ना कार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट के लिए इनमें से कौन सी चीज जो है वो सही नहीं है फंडामेंटल राइट आर जस्टिसबल इन नेचर हाँ भाई बिल्कुल जस्टिसेबल है फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर एलैबोरेटेड देन यू एस ए ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया कुछ सेकंड पहले फंडामेंटल राइट्स आर मीन फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नो इट इज मीन फॉर प्रमोटिंग पोलिटिकल डेमोक्रेसी ठीक है और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कौन प्रमोट करता है डी पी एस पीस तो ये पोलिटिकल डेमोक्रेसी प्रमोट करता है तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है ऑप्शन ए बी और डी जो है वो रॉन्ग ऑप्शन ये देखो फंडामेंटल राइट्स आर मीन फॉर प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ पोलिटिकल डेमोक्रेसी डीपीएसपी इज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सिक्स राइट्स ग्रंटेड बाय आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन आर्म रिबिलियन और नन तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन है आप मुझे बताइए आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड नहीं होता है कब सस्पेंड नहीं होता है वॉर में एक्सटर्नल एग्रेशन में आर्म रिबिलियन में या इनमें से कोई भी नहीं तो सही आंसर जो है सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी बाकी जो है वो रॉन्ग है सही उत्तर जो है वो है सी आर्म रिबिलियन में ये आपका जो आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड नहीं होता है ठीक है इंटरनल एग्रेशन में जो आपका आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड नहीं होता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट मैंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल तो आर्टिकल कौन से में डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है वो मैंशन है तो इक्वलिटी में आता है ये क्या बोलता है ये बोलता है आर्टिकल थर्टीन कि कोई भी लॉ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा तो उसको हम तोड़ मरोड़ देंगे नल एंड वॉइड कर देंगे आर्टिकल ट्वेल्व जो है वो स्टेट के बारे में बताता है ठीक है स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बताता है विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन कास्ट टैक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ये भी मैंने डिस्कस किया था लेकिन ये तोड़ मरोड़ के जो क्वेश्चन आते हैं ना ये वही आइडिया दिया गया कि तोड़ मरोड़ के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं तो आर्टिकल फिफ्टीन इज द राइट आंसर आर्टिकल फिफ्टीन जो है वो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है ठीक है तो फिफ्टीन क्या बोलता है कि ये प्रोहिबिट करता है कि, कि किसी भी केस में हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेस ऑफ

एक ही चीज याद रखनी है क्या आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल के लिए ठीक है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स इज मैं इन विच आर्टिकल आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल की बात करता है जहां भी आपको टाइटल दिखे हाँ ये याद जरूर रख लेना कि यहाँ पे नॉट ना लगाया हो ठीक है के पीछे नॉट ना लगाया हो मतलब उल्टा ना पूछा हो ठीक है स्टेटमेंट को एक्सक्लूड करना एक्सक्लूड करने के लिए ना बोला गया तो आर्टिकल 15 का आपको बता दिया पीछे किस बारे में बात करता है? डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 16 के बारे बारे में। में चलो ये आप बताओ। आर्टिकल 17 किस बारे में बात करता है? तो राइट आंसर कौन सा इधर राइट आंसर है आर्टिकल एटीन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसिस इज गारंटेड अंडर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन आपको प्रोटेक्शन आपके कन्विक्शन के खिलाफ किस एक्ट के अंडर किस आर्टिकल के अंडर जो है वो दी गई है तो यहां पे बताइए कौन सा आंसर जो है आपका ठीक है आर्टिकल ट्वेंटी क्या है आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी जो है वो ही सही ऑप्शन है आर्टिकल ट्वेंटी लिबर्टी ठीक है ट्वेंटी टू के बारे में बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सटन केसेस तो आर्टिकल ट्वेंटी इज द राइट आंसर ठीक है बाकी रॉन्ग है

नहीं तो उसको डिटेल्स के थ्रू भी नीचे आ, हमने कवर कर लिया है तो आई थिंक आपको आर्टिकल्स जो है अभी तक क्लियर हो जाने चाहिए आई थिंक अगर नहीं हो रहा है तो आप रिवाइज कीजिए उनको दिमाग में बिठाइए क्योंकि दो तीन क्वेश्चन तो फंसते ही फंसते हैं ठीक है दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आर्टिकल्स तो तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल से तो आप इनको ध्यान में रखिए ठीक है तो थैंक यू सो मच एंड